हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है सभी का हमारे चैनल आउट क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स करने वाले हैं। आर से वाले एक्सरसाइज टू बी पॉलीनोमियल चैप्टर है हमारा, और मैं बता दूं कि इससे पहले के सारे क्वेश्चन और हर एक एग्जांपल वो सब मैंने करवा रखा है, और ये सारे वीडियोज वन शॉट में भी डला हुआ है, तो आप चाहो तो उसको कंप्लीट कर सकते हो। वहाँ से भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड स्क्रीन में भी मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, और प्लेलिस्ट में जा करके मैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको आर्यस अग्रवाल पॉलीनोमियल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ भी आप जो है पॉलीनोमियल जा करके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसका इंट्रोडक्शन भी पूरा अच्छे से डला हुआ। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहे हैं हम लोग, वेरीफाई दैट नंबर वन में बोल रहा है कि फोर इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ इतना, माइनस थ्री इज द पॉलीनोमियल जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ दिस, माइनस टू बाई फाइव इज द पॉलीनोमियल ऑफ द जीरोस। यानी कि हमें ये दिखाना है कि ये सारे जीरोज हैं हमारे, ये हमको दिखाना है, ये वेरीफाई करना है। तो ये नंबर वन हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर वन में जो हमें पी ऑफ एक्स दिया गया है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है एक्स माइनस चार। तो यहाँ से करेंगे सिर्फ ये बात कि हम लोग क्या करेंगे कि पी ऑफ, यहाँ फोर अगर पूछा ना तो पी ऑफ फोर निकाल लो, तो P ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पे 4 डालेंगे, तो 4 माइनस 4 यानी कि 0 आ गया, तो ये हो गया 0, तो देयर फोर है ना 4 इज द 0 ऑफ पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। ये हो गया पहला का सॉल्व। ये दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा में कह रहा है कि क्या हमारा माइनस 3 के बारे में है ना, यानी कि Q ऑफ x दिया गया, तो Q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ये गिवन है हमारा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो निकालेंगे माइनस थ्री, यानी क्यू ऑफ माइनस थ्री चेक करते हैं, जीरो है नहीं, यानी कि एक्स के जहाँ पर माइनस थ्री पुट करो, माइनस थ्री प्लस थ्री यानी कि जीरो आ गया हमारा, है ना, कट के जीरो आ जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पर देंगे कि देयरफॉर या फिर हैंस हैंस है ना माइनस थ्री इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल P ऑफ x इज इक्वल टू कितना है हमारा, P ऑफ नहीं Q ऑफ x है, तो Q ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस थ्री। तो ये दूसरा भी हो गया हमारा सॉल्व। आई तीसरा देखते हैं, तीसरा कहा गया हमारा कि तीसरे नंबर पे जो कहा गया है 2/5, तो हम लोग को जो है इसमें दिया गया है f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है 2 - 5x, ये दिया गया है। आई 2 - 5x ऐसे लिखा गया, तो ये हमें दिया गया है कि ये जीरो है कि अभी चेक करना है, तो कितने पे 2/5 पे, यानी कि f ऑफ 2/5 अपन निकालते हैं, यानी कि जहाँ पर आपका x है वहाँ पर 2/5 हम लोग पुट करेंगे, तो यानी कि 2 की जगह पर 2 रहने, तो माइनस 5 की जगह पर 5 रहने दिया, x के जगह पर हम लोग क्या डालेंगे 2/5, तो ये हो गया हमारा 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 2 माइनस में 2 प्लस में, यानी कि फाइनली ये 0 आ गया हमारा। तो हैंस हैंस क्या हो गया हमारा कि ये 2/5 इज द 0 ऑफ पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल क्या है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 - 5x, इसका पॉलीनोमियल है, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये लास्ट हम लोग करने वाले हैं जो चार नंबर है, वो देखो नंबर चार में कह रहा है कि हमें दिया गया है g ऑफ y इज इक्वल टू दिया गया है 2y + 1, तो बोला कि ये क्या है हमारा जो -1/2 है, ये इसका जीरो है नहीं, तो आइए तो g ऑफ -1/2 निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे y -1/2 डालेंगे, तो 2 - -1/2 ओके, और यहाँ हो जाएगा हमारा +1, तो +1 आइए अब यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, तो माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा हमारा -1 और +1, तो यानी कि 0 आ गया हमारा। तो हैंस क्या है हमारा के -1/2 इज द 0 ऑफ पॉलीनोमियल क्या है हमारा g ऑफ y इज इक्वल टू 2y + 1, यही कह रहा था हमें, हर किसी में वेरीफाई करना था, तो सब में हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये चार क्वेश्चन था, तो अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है ना, आई होप सो ले लिए होंगे। तो यही कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात जहाँ के हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैन, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।